नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। तो यदि आपको कोई भी लिवर की बीमारी है, कोई लिवर का डिसीज है, क्या आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो? और यदि आप कर भी सकते हो तो किस लिमिट में आपको कंज्यूम करना चाहिए? ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, उसके पहले मैं ऐसे कुछ लिवर के बारे में कुछ सीक्रेट्स आपको रिवील करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिससे आप हैरान हो सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, लिवर आधा काट भी दिया तो लीवर चिपकली की पूंछ की तरह वो फिर से बढ़ता है। मतलब लीवर आधा काटने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से जैसे नॉर्मल लीवर होता है, जैसे कुछ काटा ही नहीं, उतना वो बराबर उतने ग्राम टू ग्राम, मिलीग्राम टू मिलीग्राम वो बढ़ता है। और ऐसा एक ही हमारे बॉडी में ऑर्गन है जो इसी तरह से रीग्रोथ होता है। उतना ही नहीं, जो हमारे डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए ओनली 30-40% लीवर ही जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि अराउंड 60-70% लीवर जो हमें रिजर्व में होता है, और जब जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी वो लीवर काम करता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवर 500 से अधिक फंक्शंस या कार्य हमारे बॉडी में करता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी को हमारे जो डे टू डे एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, उसके एनर्जी देना। जैसे दोस्तों, आपकी गाड़ी पेट्रोल डीजल के अलावा नहीं चलती है, वैसे हमारे बॉडी भी हमारे लीवर और लीवर के एनर्जी के सिवा नहीं चलती है। तो जब भी आपको लीवर की कोई भी बीमारी होती है तो आपको पहला जो लक्षण है, पहला सिम्टम है, वो आपको वीकनेस या थकावट महसूस होना हो सकता है। उसके अलावा ब्लड को फिल्टर करना, और जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करना, न्यूट्रलाइज करना, मतलब उसको जो बॉडी में जो हार्मफुल फैक्टर्स हैं, हार्मफुल्स जो केमिकल्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं, जो भी सेल प्रोसेस है, सेल मेटाबॉलिज्म है, और जिस प्रोसेस में वो हार्मफुल फैक्टर्स जो तैयार होते हैं, केमिकल्स तैयार होते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उस केमिकल को न्यूट्रलाइज करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम लीवर करता है। तो लीवर जब बीमार होता है तो आपका फिल्ट्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा नहीं होता है, और वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जमा होके वो लीवर को भी डैमेज करते हैं, और जो बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उसको भी डैमेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीन फंक्शंस मैं हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एनर्जी देना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, फिल्ट्रेशन करना। इसमें से कोई भी फंक्शंस कम या ज़्यादा होता है तो उसका असर आपके बॉडी पे दिख सकता है। वो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइंस हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी स्टिल ड्रिंक इफ वी हैव अ लिवर डिसीज, उसका आंसर नो है। क्योंकि लिवर डिसीज का मतलब है कि आपको लीवर की कोई तो बीमारी है। आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, अल्कोहल के वजह से आपके लीवर में फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस जो एंड स्टेज लीवर डिसीज है वो भी हो सकता है, और अल्कोहल के वजह से जो जीन में म्यूटेशंस होते हैं उसके वजह से आपको लीवर में कैंसर भी हो सकता है। ये सारे बीमारी के वजह से आपको उसके लक्षण सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपका लीवर 60-70% डैमेज नहीं होता है तब तक आपको जो मेजर जो लीवर के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो आपको नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको जॉन्डिस होना या पीलिया होना, पैर पे सूजन आना, पेट पे पानी होना, खून की उल्टी होना, या आपके किडनी पे सूजन आ सकती है, आपके लंग्स के अंदर पानी भर सकते हैं, आपका मसल मास कम हो सकता है, ये सारे चीज़ें थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं। और तब तक हमारी बॉडी का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उसके आपको कोई सिम्टम्स या लक्षण्स, मेजर सिम्टम्स या लक्षण्स नहीं दिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो शुरू के जो लक्षण्स हैं, जैसे कि आपको थकावट सी महसूस होना, भूख कम लगना, वेट बढ़ना या कम होना, ये आपको डायबिटीज होना, कोलेस्ट्रॉल होना, बाकी बीमारी का जो सिवेरिटी है वो बढ़ना, ये सारे चीज़ें आपको लीवर के बीमारी से हो सकती हैं। तो यदि आप
आपको कोई भी लीवर का बीमारी है, ये लीवर में डैमेज है और आप अल्कोहल लेते हो, तो जो भी अल्कोहल हम कंज्यूम करते हैं उसका 80-90% अल्कोहल लीवर को प्रोसेस करना होता है, लीवर को मेटाबलाइज करना होता है। तो जब भी आप अल्कोहल पीते हो तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और लीवर खुद बीमार है तो आपके अल्कोहल को मेटाबलाइज करने की प्रोसेस स्लो होती है। जो भी अनप्रोसेस्ड अल्कोहल है उसके कारण आपको नशा होता है और जितना भी अनप्रोसेस्ड अल्कोहल आपके ब्लड में होता है उतना डैमेज ज़्यादा होता है, लीवर में भी डैमेज होता है और जो भी बाकी के जो ऑर्गन्स है उसमें भी डैमेज ज़्यादा होता है। तो ध्यान रहे, जब भी आपको लीवर की बीमारी है, लीवर को खुद को रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए। लीवर जब खुद को संभालेगा, खुद को रिपेयर करेगा, तभी जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उसको वो संभाल पाएगा। जब आपकी आप ऑलरेडी जो डैमेज्ड ऑर्गन है उसको और आप और स्ट्रेस करोगे तो वो डैमेज और बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि उसके जो लक्षण्स है, सिम्टम्स है, आपको जल्दी दिखाई नहीं देंगे और जब भी दिखाई देंगे तब वो बहुत सीवियर होंगे एंड इट माइट बी लिटल लेट भी हो सकता है। और जब एक बार सिरोसिस होता है तो सिरोसिस इज एन इरिवर्सिबल, कम्प्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस और उसको ठीक करने के लिए कभी कभार हमें लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके जो पहले स्टेजेस है, जैसे कि अल्कोहलिक फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, कुछ हद तक अल्कोहलिक लीवर फाइब्रोसिस है, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं और लीवर को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई भी लीवर की बीमारी है और अल्कोहल आप लेते हो तो ये रिपेयर की प्रोसेस हैम्पर होती है और लीवर रिपेयर नहीं होता है, परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज, यदि आपको लीवर की कोई भी बीमारी है तो आपको अल्कोहल नहीं लेना है। जब आपका लीवर कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा तो आप एक सेफ लिमिट में आप अल्कोहल ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन होगा, फ्रेंडली एडवाइस होगा कि अल्कोहल आप ना पिए। यदि आपने अल्कोहल के सेफ लिमिट का वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए। उसके बाद और एक वीडियो है कि अल्कोहल हमारे लीवर को कैसे डैमेज करता है, कैसे फैटी लीवर करता है, कैसे अल्कोहलिक फाइब्रोसिस होता है, कैसे सिरोसिस होता है, ये इसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी एक बना चुके हैं। उसमें मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं जाते जाते आपको ज़रूर कहूँगा कि अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं होता है। यदि आपको कोई भी लीवर की बीमारी है तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल का जो लिमिट है वो मेल और फीमेल में, पुरुष और महिलाओं में अलग अलग होता है। आप दूसरों के साथ कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, अल्कोहल प्रोसेस करने की जो प्रोसेस है, हर एक पर्सन में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे घर में 4 या 5 लोग होते हैं, लेकिन हर एक पर्सन अलग अलग दिखता है, अलग अलग बॉडी हैबिट्स कैरी करता है, वैसे अल्कोहल का भी मेटाबॉलिज्म हर एक बॉडी के अंदर अलग अलग होता है। सो दूसरों के साथ कंपेयर ना कीजिए। और यदि आपको अल्कोहल इनटॉलरेंस है, एडिक्शन है, तो आप डॉक्टर या काउंसिलर की सलाह जरूर लें। आपको लीवर और अल्कोहल के बारे में और भी कुछ सवाल आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।